Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita. Aaj hum class 10th chemistry ka first chapter Chemical Reactions and Equations start karenge. Ye chemistry ka aapka first chapter hai. Bahut hi easy chapter hai, sirf chemistry ki basic cheeze hai isme, reactions kis tarike ke hai, kya kya equations hai, equations ko balance karna, yahi sari cheeze is chapter mein hai. To chaliye chapter start karte hain. सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है क्या, इसे जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस क्या है? सो प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस देयर नेचर एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है, हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में. तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जिसमें कोई ओरिजिनल सब्सटेंस, क्या ओरिजिनल सब्सटेंस क्या करता है, अपने नेचर और आइडेंटिटी को लूज कर देता है, उसकी नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, खत्म हो जाती है और एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है. तो वो रिएक्शन या वो प्रोसेस जिसमें कोई पुराना सब्सटेंस जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी और नेचर को खत्म कर देता है और एक नया केमिकल सब्सटेंस जब फॉर्म करता है और उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, वुड जलता है, हम जानते हैं वुड पूरी तरीके से जल के खत्म हो जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और भी अलग अलग तरह की गैसेस हमें मिलती हैं, साथ में जो उसका रेसिड्यू बचता है उन सबकी प्रॉपर्टीज वुड से डिफरेंट होती हैं. होती हैं तो देखिए, वुड के जलने के बाद जो भी रेसिड्यू बचा वो एक नया सब्सटेंस था, ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग था, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग थी. तो ये है हमारा केमिकल चेंज. और एक और चीज, केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर केमिकल चेंज हो गया तो आप फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस को नहीं ला सकते हैं. किसी ओरिजिनल सब्सटेंस को के साथ अगर केमिकल चेंज हुआ है तो आप फिर और वो नया सब्सटेंस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी. तो इस अकॉर्डिंग आप नया सब्सटेंस कभी दोबारा रीगेन नहीं कर सकते हैं, वो सब्सटेंस वहीं पर खत्म हो जाता है. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन. अब तक हमने देखा केमिकल चेंज क्या था, अब केमिकल रिएक्शन क्या है. सो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. वो प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. कोई भी प्रोसेस है इस वर्ल्ड में, कहीं पे इस अर्थ में जहां पे केमिकल चेंज हो रहा है वहां केमिकल रिएक्शन होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केमिकल रिएक्शन में, देखिए यहां क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. एक्चुअली ये क्या हो रहा है, एक मैग्नीशियम के पीस को जब जलाया जा रहा है, हम जानते हैं कंबशन में किसी भी सब्सटेंस के जलने में ऑक्सीजन बहुत कंपलसरी होता है, तो जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें बहुत मस्ट हैं, रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. सो जो भी चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं या केमिकल रिएक्शन करवाती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीजें नई फॉर्म होती हैं केमिकल रिएक्शन के बाद उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं. इस इक्वेशन में देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो ये हमारा रिएक्टेंट का पार्ट हो गया, और फॉर्म क्या हो रहा है इनके रिएक्शन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट हो गया. तो ये था केमिकल रिएक्शन. अब इस रिएक्शन से एक और बहुत जरूरी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है जो एग्जाम्स में आता है, वो ये है कि यहाँ पे एक्चुअली ये मैग्नीशियम कोई एक मैग्नीशियम मेटल का पीस नहीं है, ये मैग्नीशियम रिबन होता है. और जब भी लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो उसके पहले उसे सैंड पेपर से रब किया जाता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड बिफोर रब्ड बिफोर यूजिंग, क्यों मैग्नीशियम रिबन को पहले एक बार क्लीन किया जाता है उसके बाद उसे यूज किया जाता है. तो रीजन क्या है कि मैग्नीशियम जब भी रखा होता है, हम जानते हैं मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है
वो ऑक्सीजन मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को फॉर्म कर लेता है, और जब उसे क्लीन किया जाता है तब जाके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर से हट जाती है, और फिर उसे जलाने पे वो इजिली कम्बशन कर लेता है। तो यही रीजन है कि मैग्नीशियम रिबन को हमेशा बर्न करने से पहले एक बार उसे क्लीन किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सो देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। वो मेथड क्या, कौन सा मेथड किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला के हेल्प से जब रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मीन्स हमने कोई भी रिएक्शन हुआ, हमने देखा, जब उसे हम उसके नेम, उसके फॉर्मूला, उसके सिंबल्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक्चुअली केमिकल इक्वेशंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा वर्ड इक्वेशन और दूसरा स्केलेटल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सब का एग्जैक्टली नेम लिखा होता है, और फिर रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में हम रखते हैं। इक्वेशन में ये जो प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये दोनों या फिर इससे ज्यादा, जिसके जिसके साथ भी प्लस का साइन है, वो सब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जो साइन होता है एरो का, ये दिखाता है कि इनके रिएक्शन से ये चीजें फॉर्म हुई हैं। इसको हम टू टू गिव कहते हैं। जब हम कोई इक्वेशन को बोलते हैं तो हम ये कहते हैं कि सपोज जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये सिंबल गिव का साइन है और ये एडिशन का साइन है, यानी कि ये दोनों ने आपस में रिएक्ट किया। अब वर्ड इक्वेशन क्या है और स्केलेटल इक्वेशन क्या है? सो वर्ड इक्वेशन में हमेशा उनका एग्जैक्ट नेम रहता है इसमें, कि कौन सा नेम है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, ये एग्जैक्ट नेमिंग हम रखते हैं। जबकि स्केलेटल इक्वेशन में क्या होता है, उनके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं जिंक का सिंबल होता है Zn, तो हमने स्केलेटल इक्वेशन में क्या रखा, Zn रख दिया। DIL डॉट जो है इसे हम डाइल्यूट पढ़ते हैं, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड एसिड। आप आगे पढ़ेंगे यार डाइल्यूट और कंसेंट्रेशन के बारे में। तो डाइल्यूट मीन्स होता है, आप शॉर्ट में समझे तो लेस रिएक्टिव। तो डाइल्यूट H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पे हमने नेमिंग से रिप्रेजेंट किया, ये हमारा वर्ड इक्वेशन था, जबकि यहाँ पर हमने उसके सिंबल्स और फॉर्मूलाज की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा था स्केलेटल इक्वेशन। तो ये टॉपिक था हमारा केमिकल चेंज, फिर केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स थे। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो हम ये चीज कैसे पता करेंगे कि हाँ वो एक केमिकल रिएक्शन है? तो उसके लिए कुछ फिक्स क्राइटेरियाज रखी गई है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक भी आपको दिखाई देती है किसी रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। अब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस इवॉल्व हो। कैसे, देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, उसके साथ आपको कोई फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई दे, या फिर और भी अलग अलग तरीके होते हैं गैसेस को आइडेंटिफाई करने के। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, Zn प्लस H2SO4 जिंक प्लस जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है हमें, ZnSO4 प्लस H2 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। कैसे पता करेंगे हम, देखिए, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए अगर कहीं रिएक्शन हो रहा है उस जगह पर हम एक बर्निंग कैंडल ले जाएं, और कैंडल के पास ले जाने पे अगर वो कैंडल के फ्लेम के साथ रिएक्ट करके कोई पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट मींस दैट वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब गैस हमें दिखाई तो दे नहीं रही है कि हम ये मान ले कि हाँ ये वही पर्टिकुलर गैस है, तो उस गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम अलग अलग तरीके के
रिएक्शंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस चेक करनी है हमें, अगर एक बर्निंग कैंडल ले जाए, वो बर्निंग कैंडल अगर वहां ले जाने पर कोई पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, क्रैकल्स स्पार्क्स दिखाई देते हैं हमें, तो इट मीन्स दैट वहां पर हाइड्रोजन गैस है. और गैसेस का देख लें, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, वो आग को बुझाता है. सेम रिएक्शन करेंगे, कैंडल को ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल को, अगर वो रिएक्शन जहां हो रहा है उसके पास जाने पर अगर वो कैंडल बुझ जाती है, इट मीन्स दैट वहां कार्बन डाइऑक्साइड है. और अगर फ्लेम और तेज हो जाती है, इट मीन्स दैट वहां ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कम्बशन. ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग तरह की गैसेस को चेक करने के लिए ये अलग अलग तरीके बताए गए हैं. तो अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है, कोई गैस वहां से निकल रही है, तो इट मीन्स दैट वो एक केमिकल रिएक्शन है. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी चेंज इन स्टेट. अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका स्टेट चेंज हो रहा जा रहा है प्रोडक्ट फॉर्म होने पे, मींस पहले वो अगर सॉलिड या लिक्विड था और बाद में दूसरे स्टेट में चला जा रहा है, तो इट मीन्स दैट वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स. वैक्स के पास जब हम हीट ले आते हैं, वैक्स यानी कि नॉर्मली जो कैंडल्स होती हैं हमारी, जब कैंडल को बर्न करते हैं हम, तो कुछ देर बाद उसके ऊपर से कोई लिक्विड सब्सटेंस फॉर्म होता है. वो जो सॉलिड सब्सटेंस था वही मेल्ट होकर किसी लिक्विड सब्सटेंस में बदल रहा है. इसमें क्या हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है. इट मीन्स दैट वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है. अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी चेंज इन कलर. अगर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है, अगर प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद उसका कलर कुछ चेंज हो जा रहा है, तो इट मीन्स दैट वहां एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर, हम सिंपल वाटर लें, उसका कोई कलर तो होता नहीं है, लाइट ग्रीनिश कलर हमें दिखाई देता है, वो भी नॉर्मली नहीं दिखाई देता, एकदम प्लेन कलर होता है उसका. अगर हम उसमें कोई चीज ऐड करें तो उसका कलर हमें चेंज होता हुआ दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को, ब्लू कलर का होता है, जब इस पोटेशियम परमैंगनेट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं उसके क्रिस्टल्स को, तो वाटर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. इट मीन्स दैट वहां कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. क्यों? क्योंकि उसके कलर में चेंज आया है. अब नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज हो जाना मीन्स अगर टेम्परेचर या तो उसका बढ़ जाए या उसका टेम्परेचर घट जाए. जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से जब कुछ चेंजेस आते हैं तो हम उसे भी कोई केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीएओ जिसे हम लाइन, क्विक लाइन कहते हैं. ठीक है, क्विक लाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है प्लस H2O, तो वो CaOH का होल्ड वाइस यानी कि स्लेक्ड लाइन का फॉर्मेशन करती है. स्लेक्ड लाइन देखिए, ये जब लाइन बनती है क्विक लाइन से, जब स्लेक्ड लाइन बनती है, तो उसके बाद जब हम वाटर उसमें ऐड करते हैं, क्विक लाइन में जब हम वाटर ऐड करते हैं, तो हमें उसके ऊपर बबल्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं. और जब हम जिस कंटेनर में हमने जिसमें वाटर को मिक्स किया है, जब उस कंटेनर को हम टच करें, तो वो कुछ वार्म फील होता है, वो गर्म होता है. क्यों? वाटर ऐड करने से उसका टेम्परेचर, क्विक लाइम का टेम्परेचर राइज हो जाता है और फिर स्लेक्ड लाइम हमारी बनती है. तो इसमें क्या हुआ, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है. इट मीन्स दैट वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ क्योंकि उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. सबसे पहले तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट कोई भी सॉलिड रेसिड्यू होता है. मान लीजिए जो भी रिएक्शन होने के बाद अगर कोई सॉलिड चीज बच जाती है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कोई सॉलिड चीज बच रही है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिया है PbNO3 होल्ड ट्वाइस प्लस 2KI gives PbI होल्ड PbI ट्वाइस प्लस 2KMnO3. यहाँ पे लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या दे रही है, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, ये चीज हमें मिल रही है. इसमें ये जो लेड आयोडाइड है, ये एक प्रिसिपिटेट है. प्रेसिपिटेट को हम PbT. से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें ये जो लेड नाइट्रेट हमें मिला, ये व्हाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है. ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट
होता है क्या? लेड आयोडाइड, जब लेड नाइट्रेट प्लस ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो ये जो लेड आयोडाइड है यही येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इस रिएक्शन में क्या हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, यानी कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो पांच चीजें हमने देखी, पांच कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाता है। या तो एक प्रेजेंट हो या सारी प्रेजेंट हो, दो तीन जितनी भी प्रेजेंट हो, मिनिमम वन और मैक्सिमम ये पांच हो, अगर किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग देखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 से लेके आगे आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे उसमें रिएक्शंस की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।